बींग ए कंपेरेटिव गेमर, हम सब गेमर्स जितने भी कंपेरेटिव गेम्स खेलते हैं, हम सबको जरूरी होता है अच्छा वेपन, और हमारा वेपन होता है हमारा माउस। ऑब्वियसली माउस हमेशा वो लेना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल रखे, ना कि आपको तंग करे। सो आज मैं ट्राई करूंगा रेड ड्रैगन M808। अब M808 भाई साहब लेने की मेरी क्या वजह है, आई वॉन्ट ट्राई द लाइट वेट माउस, क्योंकि ये वो माउस है जो कि हनीकॉम में आता है। अब हनीकॉम क्या है, जो कि इसकी डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन हनीकॉम है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और दूसरी तरफ जो पहले मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ J95, वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट माउस है। सो आई डोंट नो कि मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का होगा, बट ऑब्वियसली इसे ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई बिजनेस नेटवर्क, जो कि कराची के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है आपकी PC बिल्ड के लिए, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। और ऑब्वियसली अगर आप लो FPS डूड या 43 e-sports का नाम यूज़ करेंगे, यू कुड हैव अ ब्रिलियंट डिस्काउंट एज वेल। सो विदाउट फर्दर डिलेज, लेट्स बिगिन। एज आई एम योर शरम सोल, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लो FPS डूड, लेट्स बिगिन। सो बॉयज, हियर इज आवर रेड ड्रैगन स्टॉर्म M808। अगर बॉक्स की बात की जाए तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बॉक्स है, और हल्की सी ट्रांसपेरेंट लुक भी है जिसमें हमें बॉक्स नज़र आ रहा है। बैक की बात की जाए तो बैक के ऊपर हमारा जो इनिशियल्स है वो लिखे हुए हैं, उसके वोल्टेज, करंट और वर्जन और वेट वगैरह। वेट की बात की जाए तो 40 ग्राम्स लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है ऑब्वियसली, जो कि इस माउस के इनिशिएटिव भी है क्योंकि ये हनीकॉम में है। और अगर बॉक्स की मटेरियल की बात की जाए तो सॉलिड प्लास्टिक बॉक्स है। इसके बॉक्स से काइंड ऑफ वो लंच बॉक्स वाली फीलिंग आती है, जब हम 5 क्लास में होते थे रिसर्च में, अपना डब्बा खोलना और चारों तरफ से भाई तब टक 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 की आवाज़ आनी बॉक्स खोलते हुए। और सेम एज अगर आप चाहो तो इस बॉक्स को एज एन लंच बॉक्स यूज़ कर सकते हो, सो यू कैन हैव RGB फ्लेक्स ऑन योर फ्रेंड्स। खैर, ये साइड यूज अपनी तरफ, हमारे पास अपना माउस नज़र आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा छुपा हुआ था, काफ़ी सारी सील्स वगैरह थी, उन सबको खोल दिया हमने। सो आफ्टर ओपनिंग एवरी ईच सील, भाई साहब अब अपने माउस को देख लेते हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू हैव अ ग्रेट लुक एट द हनीकॉम डिज़ाइन, क्योंकि ऑब्वियसली हनीकॉम डिज़ाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, क्योंकि मैं बचपन से नहीं जब से गेमिंग शुरू की ऑब्वियसली हैवी माउस यूज़ कर रहा हूँ, हैवी मटीरियल और हैवी वेट माउस, क्योंकि मेरा ग्रिप बहुत अच्छी बन चुकी है उसके ऊपर, और मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता था, बट स्टिल मैं एक्सपीरियंस जरूर करना चाहता था कि यार लाइट वेट माउस में गेमिंग किस तरह की होती है। सो अपना प्लास्टिक कवर को जरा साइड पर रखते हैं और देखते हैं भाई साहब हमारे पास क्या है। सो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी थी कि भाई हनीकॉम किस तरह होगा, और अगर वेट की बात की जाए तो वेट बहुत ही ज़्यादा हल्का है। चलो माउस को रखते हैं एक साइड पे, लेट्स सी व्हाट वी हैव इनसाइड द बॉक्स। भाई साहब बॉक्स के अंदर हमें एक तो रेड ड्रैगन का स्टिकर मिलता है, जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, काइंड ऑफ आईफोन वगैरह के साथ भी आता है इसी तरह का एक एप्पल का स्टिकर, और ऑलमोस्ट अब हर ब्रांड ही ये चीज़ कर रहा है। सो अ नाइस एडवर्टाइजिंग स्किल। अंदर से एक बुकलेट निकलती है जो कि नहायत ही बेकार है और उमर अकमल स्टफ है, सो इसे रखेंगे हम वापस एंड लेट्स मूव टू आवर माउस। भाई साहब माउस की बात करें तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सेक्सी किस्म का भाई साहब पूरी लुक है। वेट की बात की जाए तो वेट बहुत ज़्यादा हल्का है, और हनीकॉम की वजह से ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा है ऑब्वियसली, जो चीज़ इसे बहुत ज़्यादा लाइट वेट ही बनाती है। बटन्स वगैरह और बॉडी की लुक काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। अगर साइड की बात की जाए तो साइड के ऊपर सेम हनीकॉम स्टाइल ग्रिप मिलती है हमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक है, सो काइंड ऑफ रबर्स नहीं है, प्लास्टिक है सिंपल। हो सकता है आप ज़रा सा स्किड भी करें, बट अगर शाइन की बात करें और लुक की बात करें काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है। ये जो हनीकॉम्स बने हुए हैं ये इनके बिल्कुल बाहर हैं, अंदर नहीं है इस ग्लॉसी लुक के, बिल्कुल बाहर से डिफरेंटली इन्हें बनाया गया है, सो एक अच्छी ग्रिप आपको मिल जाती है। बट ऑब्वियसली इफ़ यू गेट अ स्वेट हैंड अब वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है मे बी, बट अगर नीचे से बात की जाए तो नीचे से हमें भाई साहब इसके अगेन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लुक है, बट स्टिल वी डोंट हैव मेटालिक फीट्स, वी गॉट सिंपल रबर फीट्स। रबर फीट्स सिर्फ उन लोगों को सूट करते हैं जो इस चीज़ के आदी होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेटालिक फीट्स यूज़ करते हैं, ब्रेडी वगैरह का, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, सो मे बी। सो अगर बात की जाए यहाँ पे वायर बिल्ड की, तो वायर की बिल्ड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव लुक है उसकी, मटीरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो इट वुड लॉन्ग लास्ट फॉर यू। सो लेट्स ड्रॉप डाउन टू द ग्रिप। अगर ग्रिप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली हर किसी की अपनी होता है तरीका, एक होता है पाम ग्रिप और एक होता है क्लॉ ग्रिप। अगर पाम ग्रिप की बात की जाए तो इसके ऊपर पाम ग्रिप एक अच्छी ग्रिप है, लेकिन ऑब्वियसली अगर यहाँ पे क्लॉ ग्रिप की बात की जाए तो क्लॉ ग्रिप थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट और ऑकवर्ड सी फील आती है, क्योंकि आपका जो हाथ है और जो फिंगर है थोड़ी पीछे रह जाती हैं, बट ऑन द क्लॉ ग्रिप आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है, बिकॉज दिस माउस हैव अ ग्रेट साइज, साइज अच्छा माउस का, तो ग्रिप अच्छी रहेगी आपकी इफ़ यू आर अ क्लॉ गेमर। बट अगर यहाँ पे ब्लडी J95 की बात की जाए तो ब्लडी J95 क्लॉ गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। पाम वाइज
काफी ज्यादा छोटा हो जाता है क्योंकि मेरा हाथ काफी ज्यादा बड़ा है, तो आई डोंट थिंक सो कि पाम वालों के इतना सुटेबल रहता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द क्लॉ, तो क्लॉ वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है J95। नाउ इट्स टाइम फॉर RGB। अगर RGB की बात कीजिए तो हर गेमर की तस्कीन और कह लो दिल का सुकून, और RGB जो है अब हर गेमिंग कंपनी ने लाजमी कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो गेमर के सुकून है। अब RGB की बात की जाए इसमें M808 के अंदर, तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत RGB हैं, और यहाँ पे आपको 7 RGB कलर नज़र आते हैं। और लाइक सीरियसली अगर बात की जाए इसके मोड्स की, तो इट गॉट 3-4 कस्टमाइजेबल मोड्स। अगर ओवरऑल बात की जाए इसकी RGB की, तो ब्लडी J95 से तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हमें नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा कह लो कि स्मूथ है। क्योंकि ब्लडी J95 की बात करूँ तो मैंने ऑब्वियसली इसे साथ साथ वो भी रखा हुआ है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है क्योंकि M808 के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल RGB और काफ़ी ज़्यादा तस्कीन मिल रही है मेरे दिल को इसको देख के। सो नो डाउट इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया रेड ड्रैगन वालों ने अपनी RGB के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है। एज़ कम्पेयर्ड अगर यहाँ पे ब्लडी J90 की बात की जाए, तो यहाँ पे ब्लडी J95 के अंदर हमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेबल मोड मिलते हैं, और इवन कि एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा RGBs कस्टमाइज कर सकते हैं। सो नो डाउट यहाँ पे फीचर थोड़े ज़्यादा हैं ब्लडी J95 के अंदर, बट ऑब्वियसली अगर स्टेबिलिटी और खूबसूरती की बात की जाए तो हनीकॉम रेड ड्रैगन M808 इज नॉट कमिंग स्लो। तो बस अब हम यहाँ पे अपना माउस टेस्ट करते हैं बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट DPIs हैं। ओ भाई साहब ये तो अन्ना कर दिया इसने, लाइक मुझे थोड़ा लो करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं, यहाँ पे हम लोअर कर लेते हैं, और ये और लो हो गया और ये और लो हो गया। ओके दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। आई थिंक 2 इट्स क्वाइट बेटर, देखना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट टाइम है माउस के साथ, तो देखना पड़ेगा कि बॉट्स क्या सीन होता है इनका। भाई साहब ओके लाइक अगर बात की जाए, क्योंकि मुझे मेटालिक फीड्स की आदत हो चुकी है, तो ये मुझे थोड़ा अनॉय कर रहा है बिकॉज क्योंकि जो जो मेटालिक फीड्स के साथ खेलता है, मुझे अब इसकी DPI भी बिल्कुल लाइक क्वाइट समझ नहीं आ रही इसकी। ओके और अगर बात की जाए इसके क्लिक्स की, तो ये काइंड ऑफ पाम ग्रिप मुझे टाइप लग रहा है माउस, बिकॉज आप क्लॉ ग्रिप करोगे तो आपकी उंगलियां काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगी। लाइक मैं अगर आपको दूसरी स्क्रीन में नज़र आए, तो इसकी अगर जो क्लॉ ग्रिप की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगे आपके हाथ, लाइक इधर रह जाएंगे, और इधर आपको पुश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप क्वाइट पाम ग्रिप खेलते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ पे। अब मैं थोड़ी DPI और इंक्रीज़ करता हूँ। ओके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, अनस्टेबल है क्वाइट मेरे लिए, कुछ ज़्यादा ही होगी। एक मिनट से वापस से Level 2 को कर लेते हैं। ओके वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनाइंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बंदा जो कि मेटालिक फीड्स के खेल रहा है, यहाँ पे मेरे पास ब्लडी भी है, जो मैं आपको ब्लडी का दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मेटालिक फीड्स यूज़ हो रहे हैं। मेटालिक फीड्स मीन्स कि यहाँ पे आपको एक मेटालिक फिनिश मिल जाती है। मेटालिक फीड्स के साथ मैं आपको थोड़ा सा खेल के दिखाता हूँ मैं, कि ये हमारा ब्लडी J95 है इसकी ये, और यहाँ पार्टी हो रही है। लाइक एक मिनट मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सेटिंग कर लूँ क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर सेटिंग है। ओके ये हमारा ब्लडी J95 रेडी है। आप इसके देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक यहाँ पे आपको डिफरेंट एक फील आती है बिकॉज ऑफ द मेटालिक फीड्स, आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिबल हो जाता है, क्वाइट ईजिली मूव कर सकते हैं। बट एज़ कम्पेयर्ड अगर मैं इसे एक साइड पर रख दूँ और इसे मैं उठा लूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस हो रही है, ज़्यादा आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली हो सकता है जो काफ़ी लोग इसे पुराना टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके साथ एक अच्छी फील होने आए। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग इट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ्रिक्शन महसूस हो रही है बिकॉज ऑफ द मेटालिक बूट्स। इसके मेटालिक बूट्स नहीं है, और लाइक हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को हो इसमें इशू और काफ़ी सारों को ना हो, बिकॉज डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सिचुएशन हैं। हो सकता है अगर मैं इसे थोड़ी देर ज़्यादा खेलूँ तो मैं एक डिफरेंट हाइट इसे चूज कर जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें फ्रिक्शन देखने को मिल रही है थ्रू आउट द गेम। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें पहले की आदत होती है, अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ज़्यादा उसके ऊपर एम नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ और मुझे एक गरगर सी महसूस हो रही है माउस के अंदर। सो इस गरगर को महसूस करना आप लोगों के लिए शायद इम्पॉसिबल हो, बट राइट नाउ मैं इस गरगर को महसूस करूँ अब ओके। लाइक थोड़ा बहुत टाइम लगता है बंदे को, लेकिन हाथ सेट हो जाता है, तो इस तरह की सीन है। तो देखना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शनलेस सीन है। अगर आप इस चीज़ से आदि हैं तो डैट्स अ ग्रेट माउस फॉर यू, बट अगर आप इस चीज़ से आदि नहीं हैं, आप आदि हैं इन ग्रिप्स के, लाइक मेटालिक ग्रिप्स के, सो ऑब्वियसली यू कुड हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्या कहा जा सकता है। उसके बाद ये सब चीज़ें। सो ओवरऑल बात की जाए लुक की, ग्रिप की, वेट की, और काफ़ी ज़्यादा एक क्लॉ और पाम का दोनों का मिक्सचर अगर आप करें तो भी, तो
ओवरऑल मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर फ़ायदा मिल जाता है कि आप एक लाइट वेट माउस, आपको कोई भारी मूवमेंट नहीं करनी पड़ी, क्वाइट ईजीली आप ऐसे कर लें कि अगर आप पहले से यूज़र हैं इसके रबर बूट्स के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू मूव ऑन विद दिस माउस। और ऑब्वियसली हर माउस में टाइम लगता ही लगता है टू गेट ऑन द हैंड ऑन इट। सो आई थिंक सो कि आपको M808 का रिव्यू अच्छा लगा होगा, होपफुली अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट विद योर थॉट्स ओवर दिस माउस। एज आई एम योर स्टूडेंट, सो गेट आउट।